वंदु रानी, वंदु रानी। अरे बाबा, मतलब मैं ना वंदु थक गया हूं। अच्छा पति का नाटक कर देगा। आपको मालूम है काम की वजह से मैं ऑफिस से लेट नहीं आता हूँ। नहीं, मैं जानबूझकर लेट आता हूँ। मैं सड़कों पर घूमता रहता हूँ ताकि मैं इससे दूर रहूं। हाँ, ताकि मुझे थोड़ी शांति मिले। तुम ऐसी बीवी हो ना जिसके सामने ज्यादा बोलो तो दिक्कत, कम बोलो तो तुम तो बात ही नहीं करते। हर बात में मेरी राय पूछनी। ये पहनू? लेकिन करनी सिर्फ अपनी मनमानी है। ओह, ये मेरे दो नालायक रतन। सखी, तुम क्या खड़ी हो पकड़े मां का दामन? हम मियां बीवी के महायुद्ध का तुम दोनों बच्चे ही हो असली कारण। जी का जंजाल किसे कहते हैं ये तुम्ही से पता चला। पति बनने का दुख क्या कम था, इसीलिए पिता बना। राजू, बस कर, बहुत हो गया। हाँ बराबर, बस करता हूं क्योंकि अति करने की आदत तो तुम्हारी है। कहने को तो एक ही मां बाप के दो बेटे हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा इसकी सारी चीजें ज्यादा प्यारी है ना? क्या करे, ये त्याग और बलिदान की मूर्ति बनने की बहुत पुरानी बीमारी है। बस साहब, इससे आगे सुनने की ना ताकत नहीं थी हमें। वंदना मैंने तो बस अपने आंसू दबाए खड़ी थी, बस रोने का बाकी था उनका, है ना तिवारी? हाँ साहब, आप लोगों ने उनका जो मजाक उड़ाया ना, उससे काका काकी बच्चे मनोज भाई सभी लोगों का दिल टूट गया था साहब। उनकी और बेइज्जती होते हुए हम देख नहीं सकते थे साहब, इसलिए वहां से चुपचाप निकल लिए हम दोनों। चल तिवारी। सॉरी राजेश भाई, वो हमारा एक प्लान था आपको भांग पिलाने का, मजाक में। हमें लगा कि आप जितना अच्छे बनते हैं उतने अच्छे हो नहीं। वो तो नहीं है, मेरा शक सही निकला। इतने कड़वे बोल ठीक, वो क्या फूदक रहा है बे? What? जो ताली तूने यामिनी भाभी के सुपर हिट नाटक के डायलॉग की बेइज्जती करते हुए बजाई थी, हो सकता है वही ताली यामिनी भाभी तेरे गाल में भी बजाए। Oh my God. Oh, राजेश भाई, अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? चलकर सबसे माफी मांगेंगे, चाहे सबके पैरों पर गिर के क्यों ना मांगनी पड़े। माफ कीजिए। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। भांग की नशे में ज्यादा अनाप शनाप बोल गया, मतलब आपकी माफी के लायक भी नहीं है। हमने आपका दिल दिखाया, हम बहुत शर्मिंदा है। We are really, really sorry. Sorry, Jyoti.
सॉरी बट आप लोग आप लोगों ने जो कहानी सुनी वो आशा और तिवारी जी से एक्चुअली हम नहीं कही थी आपको सुनाने के लिए मांग भी क्या एक्चुअली आप लोगों ने इतनी नौटंकी की हमें इतना परेशान किया कि हमने सोचा हम भी थोड़ा ड्रामा करेंगे एंड थैंकफुली आप लोगों ने भांग पी के रूड नहीं बल्कि क्यूट बिहेव किया था भांग भांग का सर है ज्योति भाभी मेरे एट बेडरूम हॉल किचन वाले भैया के चाचा के ससुर के सास के देवर के पड़ोसी के दादाजी थे 104 साल के उन्होंने भी ऐसी भांग पी थी होली पे वो उनकी आखिरी होली थी ज्योति छोटे गुले 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 आठ बेडरूम नौ बेडरूम ऐसा बोलती है ना इतना क्यूट लगती है पता है तू तो क्या दिख रही है तू और इंग्लिश तो कमाल का बोलती है तू मारे मारी ज्योति है मार मारी ज्योति मारी ज्योति Please come, दुनिया वाला, ये देखो, ये है मेरी यम, दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट राइटर है मेरी यम, ये यम नहीं, ऑलमोस्ट देवी है देवी, वंदु, वंदु मेरी वंदु रानी मेरी जिंदगी एक खटी पतंग की तरह ऐसे ऐसे उड़ रही थी तुम्हारे तुम्हारे प्यार के मांझे ने मुझे संवारा तुम अभी जब मुझे बार बार फोन करते हो ना पहुंच गए मुझे इतना अच्छा लगता है और मेरे ये दो अनमोल मेरे दो अनमोल रतन ये मेरा सांस खाऊ बच्चा इसकी वजह से मेरी सांसें चल रही है और मेरी ये बेटी इतनी और हार बेटी जिंदगी उड़ रही थी लेकिन मम्मी पापा थोड़ी भूख लग रही है चट्टी के साथ उड़ रही है जैसे कि उड़ जाती अगर मुझे ऐसे माता पिता नहीं मिलते मुझे दे दो क्या दू दो 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 आशीर्वाद दो हाँ आशीर्वाद दिया दिया आशीर्वाद दिया आशीर्वाद उड़ रही है ना उड़ती है ऐसे ऐसे बोलो दादा मैं कितना खुश नहीं हूँ कि मुझे ऐसा दादा मिला राजू ओए राजू इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है जो हो गया ना मजाक समझ लो लेकिन देखो दक्कू हर्षद ऐसे ना अनजाने में किसी को भांग पिलाना अच्छी बात नहीं बेटा नहीं मैं भी इस बात को मानता हूँ भांग बनाने में अगर मात्रा ज्यादा हो जाए तो आदमी दो दो दिन तक उठता ही नहीं है भांग पीने वालों के लक्षण है कि वो उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट होती है वो किसी चीज से डर जाता है तो उसे ही मन में लेके बैठ जाता है एक ही बात को बार बार रिपीट करता है दोहराता रहता है उसे अजीब तरह का एक भ्रम पैदा हो जाता है और उसी को लेके जीता रहता है वो वहां से निकल ही नहीं पाता जिसे हेलुसिनेशन कहते हैं ऐसी स्थिति में
इंसान की मनस्थिति बड़ी नाजुक हो जाती है। इस वजह से वो कभी कभी खुद को नुकसान पहुंचा देता है और कभी कभी दूसरे उसका फायदा भी उठा लेते हैं। एग्जैक्टली दादाजी, और ऐसे कितने केसेस हमें सुनने को मिलती है, भांग या ऐसी और नशीली चीजें करके लड़कियों को तंग या मोलेस्ट किया जाता है। So we really need to be careful about it. लक्कू भाई, अर्शद भाई, आप दोनों ने जो किया वो गलत तो था, पर हाँ फिर भी ऐसे चेहरे मायूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भांग के नशे में आप तीनों ने हमारी होली बहुत इंटरेस्टिंग बना दी, काफी इंटरटेनिंग थी। बट अगेन, अगली होली से कान पकड़ते हम लोग, कान पकड़ना ये, सॉरी पकड़ते कि अभी हम लोग दोबारा ऐसा मजाक कभी नहीं करते। और मैं सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा, हमारी सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी की रूल बुक में नया रूल ऐड करता हूँ, और वो ये है कि अब से होली पर भांग का नशा वर्जित है। अरे हटिए साहब, हटिए साहब, पीछे हटिए, पीछे हटिए, आप पीछे हटिए, आप हम सोसाइटी मेंबर्स को अंदर जाने से क्यों रोक रहे हैं? साहब गार्डन बंद कर दिया गया है, ये देखिए बोर्ड लगाए ना, सोसाइटी में सभी का प्रवेश वर्जित है। अरे तो किसने लगाया बोर्ड? आपको समझ में आ रहा है, हम सोसाइटी मेंबर्स हैं, हम मेंटेनेंस भरते हैं, आप हमको कैसे रोक सकते हो? सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब का आदेश है, किसी को भी सोसाइटी के गार्डन में प्रवेश नहीं करने देना। कहाँ पर है वो सेक्रेटरी का बच्चा? मिस्टर बालिया, जुबान संभाल के तमीज से अपनी कमीज में रह के बात करो। अरे वाह नहीं, अपनी वाहियात बातें बनकर और चल के नो एंट्री का बोर्ड और वो रस्सी हटा, चल यहाँ से। हरगिज नहीं, बोर्ड बिल्कुल नहीं हटेगा और ना ही किसी को गार्डन में एंट्री मिलेगी, क्योंकि कुछ दिनों के लिए गार्डन में सबका प्रवेश वर्जित है। क्यों वर्जित है? क्यों वर्जित है भाई? क्यों वर्जित है भाई? जोशीपुरा जी, अगर आप अचानक ऐसे गार्डन बंद कर दोगे तो हम सीनियर सिटीजन वॉक करने कहाँ जाएंगे? मासी, अगर आपको वॉक करनी है तो आप पार्किंग एरिया में वॉक कर लीजिए, पर गार्डन में नो 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 नो। अरे अभी नो 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 की गाड़ी बंद कर, पहले एक बात बता कि ये जो बोर्ड लगाया है इसके पीछे तेरा मकसद क्या है? शांति शांति शांति, देखिए गार्डन में रिनोवेशन का काम शुरू होने वाला है, इसलिए कुछ दिनों के लिए गार्डन बंद रहेगा। रेनोवेशन? अरे गार्डन तो बिल्कुल ठीक ठाक था भाइयों, मुझे लगता है कि रेनोवेशन के नाम पे सोसाइटी फंड को मिसयूज किया जा रहा है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, शांति शांति। देखिए आप लोग शांति बनाए रखिए और इस वालिया के बहकावे में मत आइए, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और उसी हिसाब से गार्डन में सबका प्रवेश वर्जित है। दक्कू भाई एक बात बताओ, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी है जो अच्छे खासे गार्डन को रेनोवेट करना पड़ रहा है? बोलो। वन्ना बहन, वन्ना बहन, वन्ना बहन, वन्ना बहन, धीरे धीरे, बच्चे रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें छोड़िए और इसे देखिए। क्या हुआ किट्टू, मम्मा ने पढ़ाई के लिए डांटा क्या? तो रो, कुछ तो गड़बड़ हुई है, गार्डन में जाने की जिद लेके बैठी है। रो, इतनी प्यारी जिद, क्या हुआ? पढ़ाई हो गई है तो जाने दीजिए। हाँ हाँ, जाने दीजिए, जाने दीजिए। जाने दीजिए, वैसे कहाँ जाने की बात हो रही है? गार्डन में। हाँ हाँ, तो जाने दीजिए। एग्जैक्टली, जाने दो। ओ हेलो, क्या जाने दो, तुम अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई करो। मम्मी, हम पिछले एक घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो 10 मिनट के गार्डन का ब्रेक तो हमारे लिए भी बनता है ना? हाँ। वंदना भाभी, बच्चे बोर हो गए, 10 मिनट के लिए जाने देता है गार्डन में, जाओ जाओ बच्चों, चलो। अरे एक, क्या ज्योति बहन, आप समझ नहीं रही है, सोसाइटी गार्डन में जाने के लिए मैं भी मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन किट्टू है कि उसे पब्लिक गार्डन में जाना है, वहाँ जाने की जिद लेके बैठी है। पब्लिक गार्डन में क्यों? मैं बोलूं?
हमारे सोसाइटी गार्डन में बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज हो, ऐसे कोई भी गेम नहीं है। न रोप क्लाइंबिंग है, न झूला है, न सीसो है, न स्लाइड है, कुछ भी नहीं है। पर पब्लिक गार्डन में सब कुछ है, तो हम बच्चे तो वहीं पे जाएंगे। आई एम सॉरी आमिनी आंटी एंड मम्मी, सोसाइटी गार्डन में हमें दक्कू अंकल के अजीब से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। हाँ आंटी, गार्डन की घास खराब ना हो जाए, इस वजह से दक्कू अंकल को फुटबॉल खेलने से भी रोकते हैं। हाँ, और दोपहर में हमें ये बोल के रोकते हैं कि हमारे खेलने की शोर के वजह से सोसाइटी में जो लोग सो रहे हैं वो उठ सकते हैं, इसलिए हम किट्टू की बात को सपोर्ट करते हैं। यस। हाँ मम्मा, ये बात तो सही कह रहे हैं, मतलब हमारे सोसाइटी में बच्चों के अम्यूजमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। मैं भी आप लोगों की बातों से सहमत हूँ, लेकिन वरना बहन आप ही कहिए, किट्टू को मैं पब्लिक गार्डन में अकेली तो नहीं भेज सकती, और मुझे तो मेरे आने वाले सुपर हिट सीरियल बहू ने ली एक अंगड़ाई तो सास से हुई 100 लड़ाई के ऑडिशन में जाना है, तो मैं भी नहीं जा सकती। सखी, क्या तुम किट्टू को लेके जा सकती हो? नहीं यामिनी आंटी, एक्चुअली मुझे मेरे प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च करना है, तो सॉरी। यामिनी आंटी आप टेंशन मत लो, मैं और विद्युत किट्टू को पब्लिक गार्डन ले चलते हैं। चल ब्रो। हेलो हेलो हेलो, रुको, वापस। क्या हम ले चलते हैं? पब्लिक गार्डन में जाने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए, आधा घंटा आना जाना, उसके अलावा 1-1.5 घंटा खेलोगे वो अलग, उसमें जो पढ़ाई का टाइम वेस्ट होगा उसका क्या? हाँ, तो हम पब्लिक गार्डन नहीं जा सकते? सोल्यूशन है, ये जो हमारे सोसाइटी के गार्डन का इशू है, इस इशू को हम अपने सोसाइटी के सेक्रेटरी मिस्टर दक्षेश जोशीपुरा के साथ डिस्कस करें। हाँ, तो देर किस बात की, चलिए महिला मोर्चा लेकर चलते हैं, दक्षेश भैया से बात करते हैं। 3 लोगों का महिला मोर्चा? हाँ, चलिए चलिए आते। बाय। चल ब्रो, बारी किस्मत में पढ़ते ही लिखे। दक्कू भाई, आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आपके इन रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से सोसाइटी के बच्चों को कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत? कैसी दिक्कत वरना भाभी? कैसी दिक्कत आप पूछ रहे हैं, कैसी दिक्कत? दक्कू भाई, हमारी सोसाइटी के गार्डन में बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, उनके अम्यूजमेंट के लिए एक भी चीज नहीं है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी के बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए, अम्यूजमेंट के लिए पब्लिक पार्क में जाना पड़ता है। पब्लिक पार्क में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पब्लिक पार्क घर से दूर है और बच्चों के एग्जाम सर पे हैं, अथर्व का तो बोर्ड एग्जाम है, ऐसे में रोज बच्चे पब्लिक पार्क जाएंगे एंटरटेनमेंट के लिए, खेलने के लिए, तो सोचिए, जस्ट सोचिए कि कितना टाइम वेस्ट होगा। हाँ, वंदना बहन सही कह रही है तक्कू, ऐसे परीक्षा के मौसम में बच्चों का तैयारी करना और उनका टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। परम पूज्य वन्ना भाभी तो हमेशा सही सही और सही बोलती है। दक्कू भाई, सिर्फ सही बोलने से नहीं होगा। हाँ। हमारी एक और रिक्वेस्ट है आपसे, हम सारी सोसाइटी की माएं चाहती हैं कि हमारी सोसाइटी के गार्डन में बच्चों के अम्यूजमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए फैसिलिटीज होनी ही चाहिए। हाँ हाँ, आपका हुक्म सर आंखों पे वन्ना भाभी, मैं अभी के अभी बच्चों के लिए गार्डन में अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट की तैयारी शुरू करता हूँ। पक्का? 200% पक्का देवी, मेरा वचन पत्थर की लकीर है। तिवारी। मैं यही हूँ साहब। वेरी गुड तिवारी जी। तिवारी जी साहब, अभी के अभी पूरी सोनी दोस्तों हाइट सोसाइटी में नोटिस घुमा दो कि कुछ दिनों के लिए हमारी सोनी दोस्तों हाइट सोसाइटी के गार्डन में सबका प्रवेश वर्जित है। Yes, sir. एक मिनट पढ़ो। हाँ बंधु, अच्छा क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है मतलब, खाना बनाने की तैयारी हो रही है राजेश बाबू। अरे नहीं, मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये दक्कू भाई ने जो दिमाग खा लिया ना मेरा, उसकी बात कर रहा हूँ। क्या किया दक्कू भाई ने? अरे अभी मैं यहाँ ऑफिस में हूँ, क्लाइंट के साथ मीटिंग चल रही है, दक्कू भाई ने ऑनलाइन मीटिंग लगा दी और सोसाइटी की अर्जेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमेटी मीटिंग बुलवा ली, जहाँ पर वो गार्डन के रेनोवेशन और रिक्रिएशन का बजट पास करवा ली। अरे वाह, दैट्स सुपर, मतलब दक्कू भाई एक्शन पे लग भी गए। तुम्हें पता है ये सारा हमारी नारी शक्ति का कमाल है। अरे तुम्हारी नारी शक्ति ने ऐसा क्या हल्ला बोल दिया कि वो गार्डन उन्होंने बंद कर दिया?
वो क्या हुआ ना कि यामिनी भाभी, ज्योति भाभी और मैं दक्कू भाई के पास गए और हमने उनसे कहा कि हमारे जो सोसाइटी का गार्डन है उसमें बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, उनके अम्यूजमेंट के लिए जरा भी फैसिलिटी नहीं है। तो हमने उनको समझाया और वो समझ गए और शायद अभी जो वो कर रहे हैं, गार्डन जो बंद किया है, वो बच्चों के लिए कुछ फैसिलिटी अरेंज करने के लिए किया है। ये अम्यूजमेंट के नाम पे क्या इंस्टॉल करने वाले हैं? दक्कू भाई क्या इंस्टॉल करने वाले हैं वो उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। तो बेसिकली ये सस्पेंस तो दो दिन बाद ही खुलेगा राजेश बाबू। ठीक है, ओके, चलो बाय। लेना भाभी जल्दी आइए, जल्दी आइए, चलो चलो चलो। वाह हट हट, पीछे पीछे, खासकर आप पीछे पीछे। प्रणाम मन्ना भाभी। तिवारी जी सब, आए पीछे हटे पीछे हटे। अरे तिवारी जी, ये तिवारी, मैं सोसाइटी का चेयरमैन हूँ, तू मारे को अंदर आने से रोक रहा है, मारे को। आप बुरा मत मानिए, माफ कीजिएगा, पर अभी रुकिए, क्योंकि हमारे सेक्रेटरी साहब का स्पेशल आदेश है कि सोसाइटी के बगीचे में सर्वप्रथम बच्चे प्रवेश करेंगे, उसके बाद कोई और प्रवेश करेगा, इसलिए रुकिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके ओके। बच्चों चलो, देख क्या रहे हो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। पूछा पूछा For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.